स्थानीय विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सिंगापुर, सी इंग्लैंड या डी अमेरिका। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में बीमा कर्मियों ने की हड़ताल, कामकाज रहे ठप। बीमा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में आज बीमा कर्मचारियों ने हड़ताल कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में भागलपुर के 0 mile स्थित LIC मुख्य शाखा के समक्ष बीमा कर्मचारियों ने हड़ताल की। दरअसल बीमा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार LIC का IPO ला रही है, इससे गरीब जनता के पैसों की लूट कॉरपोरेट के द्वारा की जाएगी। सरकार LIC के IPO के द्वारा LIC को निजीकरण की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। बीमा कर्मचारियों ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से सरकार से मांग है कि बीमा कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण जो करीब 43 महीनों से लंबित है उसका समाधान शीघ्र किया जाए। इस हड़ताल में भागलपुर मंडल के सभी मंडल कार्यालय व सभी शाखा बंद रहे। आज हम लोग जो है ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर LIC में पूरे भारत में आज देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारी सभी शामिल हैं। क्लास 2 कर्मचारी 2 घंटे के हड़ताल में शामिल है, बाकी सारे कर्मचारी पूरे दिन के हड़ताल में शामिल हैं। हमारा ये हड़ताल अपने वेज के लिए जो कि 43 महीना से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो केवल सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण रुका हुआ है। LIC मैनेजमेंट कुछ हद तक तैयार है एक रेस्पेक्टेबल वेज देने के लिए, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से अड़ियल है। हमको पेइंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी सरकार के विरोध के कारण हमारा ये वेज डिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि जो LIC हमारा है, जो 1956 से नेशनलाइज हुआ था, आज के तारीख में भी नेशनलाइज है और लगातार हम देश को अपना संपत्ति से इस देश का हिफाजत कर रहे हैं, इसको बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। आज के तारीख में LIC का अपना संपत्ति 32 लाख करोड़ का है और 32 लाख करोड़ हम सरकार को ऋण के रूप में दिए हुए हैं। ऐसे बेहतरीन संस्था को सरकार औने पौने दाम पर बेचने की कोशिश कर रही है, जिससे आम जनता के बीच में इंश्योरेंस नहीं जा पाएगा, इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसीलिए आज का हमारा ये हड़ताल है जो पूरे देश में व्यापक परिचय सर। मैं राजेश प्रसाद, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ भागलपुर। आज पूरे भारत में LIC में 18 तारीख को स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग, जो भारत सरकार के द्वारा IPO जारी करने की LIC का निर्णय लिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का वेज रिवीजन जो 43 महीने से पेंडिंग है, लगातार प्रयास करने के बाद जो है अब तक जो है प्रबंधन और सरकार दोनों के नकारात्मक रवैये की वजह से अब तक संभव नहीं हो पाया है, सफल नहीं हो पाया। और ये मार्च के समय में हम लोग देश की तरक्की के लिए और संस्थान की तरक्की के लिए, आम जनता की तरक्की के लिए हम लोग ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई हड़ताल हो, लेकिन ये सरकार की रवैये की का विरोध करते हुए हम लोगों को अंडर कंपल्सन फोर्सफुली हम लोगों को स्ट्राइक पर जाना पड़ा और इसके लिए हम लोग आज पूरे भागलपुर डिवीज़न में 14 ब्रांच और 21 SO के सारे कर्मचारी और अधिकारीगण आज हड़ताल में है। हर ऑफिस हमारा आज कार्यालय बंद है। परिचय सर, मैं विनय कुमार सिन्हा, यहाँ पर फेडरेशन क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। नवगछिया, बिजली विभाग के कैश शाखा में हुई डकैती मामले में प्राथमिकी दर्ज,
नवगछिया के बिजली विभाग के कैश शाखा में हुई 17 लाख डकैती के मामले में सहायक अभियंता आशीष कुमार के लिखित बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी गोपालपुर थाने में दर्ज की गई है। दूसरी तरफ नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में गुरुवार को संदिग्ध लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस घटना में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। केसीआर उपेंद्र कुमार और गार्ड कुंदन कुमार से सघन पूछताछ की जा रही है। वहीं सहायक अभियंता आशीष कुमार ने कहा कि विभाग के पदाधिकारी से ही उन्हें घटना की सूचना मिली थी। घटना के वक्त विद्युत कार्यालय में करीब 6 वर्ष से काम कर रहे कहलगांव निवासी ज्योतिष राय अपनी पत्नी के साथ कैश शाखा वाले भवन में ही अपने निर्धारित कमरे में सोए हुए थे। सहायक अभियंता आशीष का कहना है कि रात्रि 1:15 पर 4 चोर चोरी की नियत से छत के रास्ते से भवन में दाखिल हुए। चारों ने रोकड़ शाखा का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल किया और तिजोरी का लॉकर तोड़कर कुल 17 लाख रुपए की चोरी कर ली। चौकीदार की माने तो सबों की उम्र 20 से 21 वर्ष के करीब थी। सभी पैंट और शर्ट पहने हुए थे। चौकीदार ने कहा कि इस क्रम में उनकी नींद खुल गई और वे हल्ला करने लगे। इसके बाद अपराधियों ने चौकीदार ज्योतिष राय की पिटाई कर दी। जब ज्योतिष राय की पत्नी ने हल्ला किया तो अपराधी ने उसे भी पेट में जोरदार लात दे मारा, जिसके बाद वह मौके पर ही गिर गई। उसके बाद सभी अपराधी छत पर गए और कूद कर भाग गए। सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि ज्योतिष राय ने उन्हें बताया कि घटना की रात ड्यूटी पर तैनात एक वॉचमैन मंगलवार शाम को यह कर अपने घर चला गया था कि उसकी पत्नी बीमार है और वह इलाज करवाने जा रहा है। सहायक अभियंता ने कहा कि मंगलवार को गार्ड कुंदन कुमार ड्यूटी पर नहीं था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। तभी बात सामने आई है कि रोकड़ शाखा की चाबी केसीआर उपेंद्र कुमार के पास रहता है, जो बिजली कार्यालय में करीब 7 वर्षों से काम कर रहा है और बिजली कॉलोनी में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। साफ सफाई के लिए केसीआर द्वारा रोकड़ शाखा की चाबी चौकीदार ज्योतिष राय को भी दी जाती है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले में छानबीन की जा रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। बोले नवगछिया एसपी, अब नवगछिया शहर में किराएदारों का सत्यापन करना जरूरी। नवगछिया में मकान किराए पर लगाने वाले मकान मालिकों को जिन्हें किराए पर मकान दिए हैं, उक्त किराएदारों का थाना अध्यक्ष के समक्ष सत्यापन करना होगा। मकान में रह रहे किराएदार अगर अपराधी पाए जाते हैं तो पुलिस इस स्थिति में किराएदार के साथ साथ मकान मालिकों पर भी कार्रवाई करेगी। नवगछिया में किराए के मकान में रह रहे किराएदारों के सत्यापन को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नवगछिया एसपी ने कहा कि ऐसा पाया जाता है कि अपराधी कहीं अपराध की घटना को अंजाम देकर नवगछिया में किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। मकान मालिक जो व्यक्ति अपने मकान को बिना किसी प्रकार की आइडेंटिटी लिए बिना, उसे किसी भी प्रकार की जानकारी लिए बिना अपना मकान किराए पर दे देते हैं। इस दौरान उक्त अपराधी किराएदार नवगछिया में भी अपराध की घटना को अंजाम देते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। एसपी ने कहा कि इसको लेकर नवगछिया में रह रहे किराएदारों का अभियान चलाकर सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि अपराध की घटना को अंजाम देकर अपराधी नवगछिया को ही किराए का मकान लेकर छिपने का ठिकाना बनाते हैं। पूर्व में कई ऐसे मामले सामने आए कि अपराधी अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद नवगछिया में किराए का मकान लेकर छुपे हुए थे। इसको गंभीरता से लेते हुए एसपी ने नवगछिया में किराए के मकान में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन किए जाने का निर्णय लिया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया बार एसोसिएशन चुनाव में 28 पदों के लिए होगा चुनाव, चुनाव अधिसूचना जारी, 9 अप्रैल को होगा चुनाव। बार एसोसिएशन नवगछिया में अध्यक्ष सहित कुल 28 पदों पर चुनाव होना है। इस बाबत गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दिया गया है और जानकारी देते हुए चुनाव पदाधिकारी रामजी मिश्रा ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना को लेकर एक कॉपी बिहार बार काउंसिल को भी भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को चुनाव होना है। गुरुवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें कुल 509 सदस्य की सूची है। मतदाता सूची में आपत्ति को लेकर 19 से 22 तारीख तक आपत्ति जमा लिया जाएगा। 23 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। विभिन्न पदों के लिए नामांकन 24 और 25 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। स्क्रूटनी 26 तारीख से 11:30 बजे तक होगा और नाम वापसी 26 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक लिया जाएगा। 27 तारीख को फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। डीएम ने की नारायणपुर प्रखंड एवं पीएचसी की जांच, कर्मी अनुपस्थित।
भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत सेन गुरुवार को नारायणपुर में प्रखंड व पीएचसी की जांच की। अचानक डीएम को पहुंचने पर कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। जांच के क्रम में उन्होंने सीडीपीओ सगुप्ता यास्मी एवं प्रखंड कार्यालय के लिपिक राधे ठाकुर और पीएचसी के डॉक्टर अंकित कुमार को अनुपस्थित पाया, जिसका वेतन तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पंचायत में कुआ जनाधार का निर्देश बीडीओ को दिया। अनुश्रवण के क्रम में उन्होंने पाया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ 100% मिल चुका है। आठवें चरण का लाभ पाने के लिए लाभुक से आवेदन लेने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया गया। प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत में बस स्टॉप बन गया है। दूसरा कार्य जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के महवागढ़ में प्रगति पर है। प्रत्येक पंचायत में 2 सामुदायिक शौचालय बने हैं। अभी तक 15 शौचालय पूर्ण हो गए हैं। नल जल गली नली कार्य को पूर्ण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 31 मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। देखिए, आज हम लोग ब्लॉक में आए, हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है। जो भी कैशबुक की स्थिति हो या अन्य जो भी स्कीम्स में कुछ जो कमियाँ पाई गई हैं, जिसमें कि अभी अपनी प्रगति अच्छी नहीं हो पाई है, वहाँ हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें आवश्यक प्रगति लाए। कुछ कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनका वेतन स्थगित किया गया है। आज का CDPO भी अभी कार्यालय में नहीं पाई गई है, उनका भी एक दिन का वेतन स्थगित किया गया है। तो हम लोग घूम करके देख रहे हैं और जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कैसे प्रगति की जाए, इस संबंध में विचार। सर, राशन कार्ड के लिए पंचायत स्तर पर भी आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन राशन कार्ड बन नहीं रहा है। नहीं, वो हम लोगों ने अभी बात किया है, SDO साहब भी हैं और BDO भी उपस्थित हैं। 500 के लगभग आवेदन पेंडिंग है। हम लोगों ने यही निर्देश दिया है कि उसमें और तेज़ी ला करके जो भी योग्य लाभुक हैं, जिनका राशन कार्ड बनाया जाना है, उनको ससमय मिल सके राशन कार्ड, इसकी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित। सर, सर्विस प्लस वेबसाइट लॉन्च किया गया RTPS के लिए, लेकिन वो पूरे राज्य स्तर पर स्लो वर्क कर रहा है, परेशानी पर समस्या है, वो स्पीड उसका स्लो है। ये समस्या सिर्फ इसी जिले में नहीं है, कई अन्य जिले में है। तो इसमें उच्च स्तर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि इसके लिए क्या नया प्रावधान बनाया जाए। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया PSC प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार बोले, फर्स्ट डोज लेने वाले 28 से 42 दिन के अंदर अवश्य लें सेकंड डोज। नवगछिया PSC के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि तीनों सेंटर पर वर्तमान में 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों या बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो भी इस आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, ये परवत्ता जमुनिया और ढोलबज्जा सेंटर पर अपना आधार कार्ड और किसी चिकित्सक से अगर इलाज चल रहा हो तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर चले आए उनका, इन सेंटर पर आसानी से वैक्सीनेशन हो जाएगा। डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैसे लोग जो कोरोना नेशन का पार्ट 1 डोज ले चुके हैं, वो 28 से 42 दिन के अंदर अपना दूसरा डोज भी PSC आकर ले लें, अन्यथा कोरोना वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डॉक्टर वरुण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन करने के लिए आए तो अपना आधार कार्ड और मास्क जरूर साथ रखें। नवगछिया के जगतपुर के पास यात्री शेड से अज्ञात युवक का शव बरामद। परवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जगतपुर के पास सड़क किनारे स्थित यात्री शेड से गुरुवार को परवत्ता पुलिस ने 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया। यात्री शेड से बरामद हुए युवक के शव के पास से पुलिस ने एक कागज की पुड़िया में जहरीला पदार्थ भी बरामद किया। युवक के शव के पास से जहरीला पदार्थ बरामद होने से आशंका है कि युवक की मौत जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई। युवक के शव पर कहीं भी किसी प्रकार के जख्म के निशान नहीं थे और युवक के मुंह से झाग निकला हुआ था। गुरुवार को दिन के 10 बजे जब स्थानीय लोगों ने युवक के शव को यात्री शेड में देखा तो इसकी सूचना परवत्ता थाना अध्यक्ष को दी। यात्री शेड में युवक के शव होने की सूचना मिलते ही परवत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस ने युवक के शव की पहचान को लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की। युवक के शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक ब्लू कलर की जीन्स और आसमानी रंग की शर्ट,
पीले रंग का गमछा पहने हुए है, पांव में जूता भी है। परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत हुई है। युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के शव की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मेले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। बीहपुर वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप बेगूसराय में 19 को सुनवर्षा कन्या मध्य विद्यालय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप बेगूसराय के मजौल में 19 मार्च से 21 मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ी का चयन किया गया। मौके पर प्रशिक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि सभी खिलाड़ी देवराज सत्यम, ऋषभ गोलू, दिलखुश, दीपकांत, प्रशांत, अनमोल, भानु एवं विक्की का चयन किया गया। प्रशिक्षक राजवर्धन कुमार, हर्षवर्धन कुमार मौजूद थे। नवगछिया में भाजपा नेता का किया स्वागत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन का नवगछिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष कौशल कुमार जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, मुरारी लाल चिरानिया, कुमकुम देवी, भाजपा नेता मुकेश राणा, गगन चौधरी, सज्जन भारद्वाज, रमेश राय, विधा सागर साह, धीरज सिंह, मोहम्मद मुख्तार सहित अन्य कार्यकर्ता ने 330 माइल पर फूल मालाओं से स्वागत किया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। ढोलबजा PSC प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने ढोलबजा अस्पताल में किया पौधारोपण। नवगछिया PSC प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने गुरुवार को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोलबजा परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर APSC ढोलबजा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, MBBS विपिन कुमार, सोल्टी जायसवाल, मेघनाथ मेहतर व प्रशांत भवेश कुमार कन्हैया के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। नवगछिया तेतरी मुखिया और उप सरपंच ने किया आत्मसमर्पण। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी वर्तमान मुखिया रविंद्र दास और उप सरपंच प्रमोद दास ने बुधवार को एक मारपीट मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। नवगछिया पुलिस ने उक्त आशय की पुष्टि की है। गोपालपुर 150 लोगों का COVID-19 का जाँच हेतु लिया गया सैंपल। DM सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद CSC गोपालपुर में गुरुवार को 150 लोगों का सैंपल CSC में लिया गया तथा 139 लोगों को कोविशील्ड की पहली खुराक तथा 11 लोगों को दूसरी खुराक का टीका लगाया गया है। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। गोपालपुर थाने के दरोगा नवीन कुमार ने गोसाई गांव चौक पर सघन वाहन जाँच व मास्क चेकिंग कर दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूल किया है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंते नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मेले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया।